इस वक्त की बड़ी खबर, नरकटियागंज के रामनगर मोड़ के समीप बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े भारत फाइनेंस कर्मी से लगभग 35,000 की लूट कर ली। सूचना पर शिकारपुर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि कर्मी की निशानदेही पर छापेमारी की जा रही है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि भारत फाइनेंस कंपनी का कर्मी अजुआ व सेमड़े से रुपये की वसूली कर नरकटियागंज लौट रहा था। दो बाइक पर सवार तीन अपराधियों उसके पीछे पड़े थे। मलदैया चौक के पास अपराधियों ने उसे रुकने को कहा तो कर्मी अपनी बाइक तेज गति से लेकर भागने लगा। इसी क्रम में बाइक सवार अपराधियों ने उसे रामनगर मोड़ के समीप घेर लिया और हथियार दिखाते हुए उसके डिक्की में रखे 35,000 रुपये टैप समेत अन्य सामान लेकर मलैया चौक की ओर भाग निकले। बाद में कर्मी राजन ने इसकी सूचना शिकारपुर थाने को दी। थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि अपराधियों की भागने वाली दिशा में छापेमारी की जा रही है, शीघ्र ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ पे हमारा स्टाफ अजवा सुगौली से आ रहा था मीटिंग करके, ठीक है, कलेक्शन करके, और उसको ओवरटेक किया गया यहाँ। कौन सा रोड है? रामनगर वाला चौक पर, रामनगर मोड़ पर। और दो गाड़ी वाला था, एगो पल्सर से एक और दूसरा गाड़ी था, और तीन लोग सवार थे। और अचानक उसको गाड़ी पर आगे आके और गाड़ी रोक लिया गया, और उसके सामने बंदूक धिरा के और उसका डिक्की खोल कर पैसा लेकर लोग भाग। कितना पैसा था? लगभग में 35,000 के आसपास में। इस कंपनी में भारत फाइनेंस का अकेले आ रहे थे? अकेले आ रहा था।